नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राथमिक विद्यालय बलारपुर में मध्यान्ह भोजन योजना लगातार 3 दिनों से बंद पड़ा है। आपको बता दें, खबर चंदौली जिले से है। विकासखंड सकल डीहा के ग्राम पंचायत बलारपुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार 3 दिनों से मिड डे मील मध्यान्ह भोजन योजना बंद पड़ा हुआ है। वहीं बच्चों ने अपने गार्डियंस को इस बात को अवगत कराया कि एवं बताया कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नहीं मिलता है, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीणों ने मीडिया कर्मी के द्वारा इसकी जांच से अवगत कराने के लिए कहा है। और ये भी बताया कि विद्यालय में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तदोपरांत 3 दिन के आकस्मिक अवकाश पर है। वहीं रसोइया द्वारा बातचीत से पता चला कि विद्यालय में राशन एवं खाद्य सामग्री ना होने की वजह से हम रसोइया समय से विद्यालय आकर बैठती हैं, लेकिन विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कहना है कि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर हैं और ग्राम सभा के प्रधान द्वारा राशन सामग्री ना देने से विद्यालय की मध्यान्ह भोजन नहीं बन पा रहा है। हम लोगों की जो ड्यूटी है, हम लोग समय अनुसार कर रहे हैं। मध्यान्ह भोजन ना मिलने से बच्चों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बच्चों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के एक दूसरे के टालमटोल शिकायत के दाव पर पेच में विद्यालय के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं विद्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। ब्यूरो चीफ उदय कुमार राय के साथ अनिल कुमार सेठ की रिपोर्ट।